अनडाउटेडली चलो मुद्दे, ठीक है ना। अब कल तक हमने जो कहानी बोली उस कहानी में हम लोगों ने क्या बोला, उस कहानी में हमने ये बोला कि डीएनए कॉपी जरूरी होती है। क्यों जरूरी होती है? दो रीजंस की वजह से। पहला रीजन क्या था डीएनए कॉपी के जरूरी होने का? पहला रीजन ये था कि जब डीएनए कॉपिंग होगी तो क्या होगा, नया सेल बनेगा सेल डिवीजन के टाइम पे, तो उसको क्या चाहिए रहेगा, उतना ही अमाउंट ऑफ डीएनए चाहिए रहेगा जितने पेरेंट के पास होता है। ऐसे में पेरेंट को अपनी ही बॉडी में पहले डीएनए कॉपिंग करनी पड़ेगी ताकि जब दो डॉटर सेल बने तो दोनों को सही अमाउंट में क्या मिले, डीएनए मिल जाए, यानी कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, ये हम लोगों ने कब करा था, कल। एक रीजन ये था। दूसरा रीजन हमने बोला था कि डीएनए कॉपिंग क्या लेकर आता है, वेरिएशंस लेकर आता है, और वेरिएशन जरूरी होती है किसके लिए, सर्वाइवल के लिए। किसकी सर्वाइवल के लिए? स्पीशीज की। तो मुद्दा उठता है क्या, दो तीन क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्वेश्चन बनेंगे, तीन। पहला क्वेश्चन बनेगा व्हाई इज ये come on मम्मी, आप ऊपर से कूद के नहीं जा रहे, चलो। Why is asexual reproduction? Why is sexual reproduction a better mode of reproduction? A better mode of reproduction than asexual mode? ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर टू है व्हाई आर वेरिएशंस इंपॉर्टेंट, व्हाई आर वेरिएशंस इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर थ्री आएगा व्हाई आर वेरिएशंस बेनिफिशियल to a species rather than an individual. ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन का आंसर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स अबाउट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रिंग्स अबाउट वेरिएशंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या लेकर आता है, वेरिएशन लेकर आता है। और वेरिएशंस क्यों जरूरी होती है और वेरिएशंस क्यों बेनिफिशियल होती है, ये आंसर हम लोग अभी एनीवे लिखेंगे ही, ठीक है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाई इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ बेटर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाई आर वेरिएशंस इंपॉर्टेंट, व्हाई आर वेरिएशंस बेनिफिशियल टू अ स्पीशीज रादर देन अ इंडिविजुअल। अब आंसर क्या होता है, हम लोग कहते हैं एवरी ग्रुप ऑफ every group of population is adapted to a particular environment, to a particular environment। यानि कि हम आज जहां रह रहे हैं, हम यहां से, या हमारी body design जिस तरीके की है वो यहाँ के एनवायरनमेंट से क्या है, वेल अडेप्टेड है। तो एज लॉन्ग एज ये एनवायरनमेंट स्टेबल है, हमारी जो बॉडी है या हमारा जो बॉडी डिजाइन है, जो हम सबका सेम ही है, देखो किसी का अलग दिख रहा है क्या, नहीं, हम सबका बॉडी डिजाइन क्या है एज अ स्पीशी, कौन सी स्पीशी, होमो सेपियन। सबके पास देखो दो कान है, दो आंख है, एक नाक है, एक मुंह है, दो हाथ है, दो पैर है, मतलब क्या, एज अ स्पीशीज हम लोग के बॉडी डिजाइन क्या है, सेम है। और हमारे जो बॉडी डिजाइन है वो हमारे एनवायरमेंट के हिसाब से क्या है, वेल अडेप्टेड है। आ रही बात समझ में? जब मैं कह रही हूँ कि हमारे बॉडी डिजाइन हमारे एनवायरमेंट के साथ
सो द पॉपुलेशन वुड रिमेन स्टेबल द पॉपुलेशन वुड रिमेन स्टेबल एज लॉन्ग एज द एनवायरमेंट रिमेन्स द सेम एज लॉन्ग एज द एनवायरमेंट रिमेन्स द सेम however if the environment undergoes any drastic change kya bola if the environment undergoes any drastic change यानी कि जिस environment हम लोग रह रहे हैं अगर उसमें कोई भी बड़ा change आता है when I say कोई भी बड़ा change इसका मतलब क्या हुआ temperature change होगा ठीक है ना या फिर कोई meteor hit कर देगा या फिर यहाँ flood आ जाएंगे यानी कि water level change हो जाएंगे ऐसा कोई भी चेंज अगर आ रहा है तो हमारी जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है जिनका बॉडी डिजाइन क्या है सेम है वो एक साथ डिस्ट्रॉय हो जाएगी लेकिन अगर हम में से इंडिविजुअल्स कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हुए जिनके बॉडी डिजाइन में कुछ वेरिएशंस हुई किसी के टांग लंबे हुए पैर तो जब वाटर लेवल राइज होगा तो वो नहीं मरेंगे लेकिन जो नॉर्मल थे वो क्या हो जाएंगे मर जाएंगे तो जिनके लेग्स क्या थे लॉन्ग थे जिनके लेग्स क्या थे लॉन्ग थे वो क्या करेंगे सर्वाइव कर जाएंगे अगर वो सर्वाइव कर गए लेग का लंबा होना वाटर लेवल राइज के केस में एक फेवरेबल वेरिएशन है तो जिन हम में से कुछ के पास भी अगर कोई फेवरेबल वेरिएशन होगी तो वो सर्वाइव कर जाएंगे तो वो रिप्रोड्यूस करेंगे और इंसान बना लेंगे तो ऐसे में होमो सेपियन यानी कि ह्यूमन एज अ स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं होगी हाँ वो इंडिविजुअल्स जिनके पास फेवरेबल वेरिएशंस नहीं थे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो, और वो खत्म हो जाएंगे तो उनके लिए वो वेरिएशंस फायदे वाले नहीं थे लेकिन फॉर अ स्पीशी फॉर होमो सेपियंस वो वेरिएशंस फायदे वाले क्यों थे क्योंकि उसकी वजह से पूरी स्पीशीज वाइप आउट होने से बच गई उन वेरिएशंस की वजह से कुछ इंडिविजुअल्स बच गए वो बचे तो उन्होंने रिप्रोड्यूस किया तो होमो सेपियन एज अ ह्यूमन स्पीशीज क्या हुई खत्म नहीं हुई और इसलिए सर्वाइवल क्या होता है हो गया तो स्पीशीज क्या कर गई सर्वाइव कर गई ठीक है ना तो अब इनको कैसे लिखेंगे इन दिस मम्मी एक मिनट So, if some individuals of a population have some favorable variations, they would survive and reproduce to continue life and maintain the population of that species on Earth. Therefore, variations are important. हम लोग start क्या कर रहे हैं modes of asexual reproduction. ठीक है अब जब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहला तरीका मोड होता है कौन सा फिजन अब फिजन अपने आप में दो टाइप का होता है एक होता है बाइनरी फिजन और एक होता है क्या मल्टीपल फिजन ठीक है जब हम लोग बाइनरी फिजन की बात करते हैं जब हम लोग किसकी बात करते हैं बाइनरी फिजन की बात करते हैं तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन होता है अमीबा कौन होता है मल्टीपल फिजन की बात करते हैं तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है कौन प्लाज्मोडियम कौन होता है तुम्हें पता है प्लाज्मोडियम कौन है ये है मलेरियल पैरासाइट इट कॉजेस मलेरिया तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि प्लाज्मोडियम कैसे रिप्रोड्यूस करता है तुमको आएगा एन ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेस मलेरिया अंडरगोस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अ मेथड
तो आपको मेथड बताना होगा उसमें क्या मल्टीपल फिशन, ठीक है ना। अब मलेरियल पैरासाइट, ठीक है। अब जब अमीबा में क्या बात करते हैं हम लोग, बाइनरी फिशन की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, अ सिंगल सेल, अ सिंगल मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स, टू फॉर्म। अब क्योंकि दो डॉटर सेल्स बन रहा है इसलिए इसका नाम क्या है, बाइनरी फिशन। क्योंकि दो डॉटर सेल्स बन रही है इसलिए इसका नाम क्या है, बाइनरी फिशन। इसके दो स्टेप होते हैं। स्टेप वन क्या होता है बेटा, कैरियोकाइनेसिस। क्या होता है, कैरियन मतलब क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। कैरियन मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। काइनेसिस मतलब क्या होता है, डिविजन। तो इसके स्टेप वन में क्या होता है बेटा, डिविजन ऑफ न्यूक्लियस। इसके स्टेप वन में क्या होता है, ठीक है, दिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनोसिस। साइटोकाइनेसिस, साइटो मतलब क्या होता है, सेल। काइनेसिस मतलब क्या होता है, डिविजन। काइनेसिस मतलब क्या होता है, तो पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिविजन होगा और उसके बाद किसका होगा, सेल का डिविजन होगा। जैसे कि ये एक अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक है। स्टेप वन में क्या होगा, ये जो अमीबा है इसके न्यूक्लियस में हमें एक कॉन्स्ट्रक्शन दिखेगा कुछ इस तरीके से। इसका मतलब ये जो न्यूक्लियस है वो क्या होने वाला है, यहां से डिवाइड होने वाला है, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ये न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, फिर क्या होगा, ये न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा और इसी टाइम मुझे साइटोप्लाज्म में क्या दिखने लग जाएगा, कॉन्स्ट्रक्शन दिखने लग जाएगा। यानी कि अब कौन डिवाइड होगा, साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। अब जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो वो दो डॉटर सेल बना लेगा और दोनों के पास उनका इंडिविजुअल न्यूक्लियस होगा। याद रखना, अगर मदर के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो न्यूक्लियस के पास यहाँ पर सेल डिवीजन के पहले इधर भी कितने आ जाएंगे, 46, उधर भी कितने आ जाएंगे, 46, फिर इधर भी 46, इधर भी 46 और यहाँ पर भी 46 और यहाँ पर भी 46। ये क्या है, बाइनरी फिजन इन अमीबा। बोलो क्या इसमें कोई परेशानी, चलो लीशमैनिया पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाउ इज बाइनरी फिजन इन लीशमैनिया डिफरेंट फ्रॉम बाइनरी फिजन इन अमीबा। अब लीशमैनिया जो होता है ना, ये इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, आया समझ में, ये चाबुक जैसा स्ट्रक्चर होता है। मतलब इसकी बॉडी जो रहती है ना वो लॉन्गिट्यूडनली लंबे से अलाइंड होती है। क्योंकि इसकी बॉडी लॉन्गिट्यूडनली अलाइन होती है तो यहाँ पर जो डिविजन होगा ना बेटा, इधर से होगा ऐसा, ठीक है ना। ऐसे कहीं तो भी ऐसे नहीं हो सकता, इधर से हो गया, इधर से हो गया, ऐसा ऐसा किसमें होता है, अमीबा में। जहां से चाहेंगे वहां से डिविजन हो जाएगा। लीशमैनिया में जब बाइनरी फिजन होगा सो हम लोग कहेंगे बाइनरी फिजन टेक्स प्लेस अलोंग अ डेफिनेट ओरिएंटेशन, टेक्स प्लेस अलोंग अ डेफिनेट ओरिएंटेशन। जब मैं कह रही हूं कि एक डेफिनेट ओरिएंटेशन से बाइनरी फिजन होगा, जब एक डेफिनेट ओरिएंटेशन से क्या होगा, बाइनरी फिजन होगा। क्यों होगा, बिकॉज इट हैज अ विप लाइक स्ट्रक्चर, इट हैज अ विप लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो जब इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो पॉइंट वन ये लिखना, दैट लीशमैनिया हैज अ स्पेशल विप लाइक स्ट्रक्चर ड्यू टू विच बाइनरी फिजन इन लीशमैनिया टेक्स प्लेस अलोंग अ डेफिनेट ओरिएंटेशन एंड नॉट लाइक और नॉट अलोंग एनी ओरिएंटेशन लाइक अमीबा। क्लियर है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से ही होता, ठीक है। मलेरियल पैरासाइट जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। अब सुनो, ये अगर एक प्लाज्मोडियम का सेल है, कौन सा, ये, तो इस सेल के बाहर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाएगी, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिस्ट। इस सेल के बाहर क्या होगी,
एक प्रोटेक्टिव लेयर बनेगी जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्ट। ये क्या है, सिस्ट। सिस्ट अपने आप में क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर है। ये क्यों है प्रोटेक्टिव लेयर, इस मलेरियल पैरासाइट को अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से बचाने के लिए। ये क्यों है, ये प्रोटेक्टिव लेयर है। क्या नाम है इसका, सिस्ट। ये प्रोटेक्टिव लेयर किससे प्रोटेक्ट करेगी, अनफेवरेबल एनवायरनमेंट से, अनफेवरेबल, ठीक है ना। अब लॉजिक क्या है कि ये जो है इसका न्यूक्लियस सेल के ही अंदर मल्टीपल टाइम्स क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस ये क्या है जो छोटे छोटे बनाए, ये न्यूक्लियस है। और हर न्यूक्लियस के बाहर, हर न्यूक्लियस के बाहर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म भी अक्यूमुलेट हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म भी अक्यूमुलेट हो जाएगा, लेकिन ये सिस्ट के अंदर ही बैठे रहेंगे। ये सिस्ट के अंदर ही बैठे रहेंगे कब तक, जब तक एक्सटर्नल एनवायरमेंट फेवरेबल नहीं होता। जब एक्सटर्नल एनवायरमेंट फेवरेबल हो जाएगा, व्हेन एक्सटर्नल एनवायरमेंट बिकम्स फेवरेबल तो सिस्ट क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। सिस्ट क्या हो जाएगी, और जैसे ही सिस्ट ब्रेक होगी, मल्टीपल एनवायरमेंट में रिलीज हो जाएंगे। और जहां अब ये कब होगा, जब एनवायरमेंट कैसा है, फेवरेबल है, तो मल्टीपल एनवायरमेंट मल्टीपल्स के हो जाएंगे क्या, ठीक है। तो यहां पर जब हम लोग लिखेंगे तो हम इधर क्या लिखेंगे, दैट न्यूक्लियस डिवाइड्स मल्टीपल टाइम्स टू फॉर्म मैनी न्यूक्लियर, टू फॉर्म मैनी न्यूक्लियर एंड ईच न्यूक्लियर ईच न्यूक्लियस इज कवर्ड with small amount of cytoplasm, with small amount of cytoplasm, clear है क्या। इस process को हम लोग क्या कहते हैं, multiple fission, is that clear, ठीक है। तो जो हमारा next mode of reproduction होता है वो क्या होता है, budding, ठीक है ना। budding किस में होता है, hydra में। budding किस में होता है, ठीक है। बडिंग का एग्जांपल क्या बेटा, हाइड्रा। अब हाइड्रा देखो इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, ऐसा, ठीक है। इस पे ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं टेंटेकल्स। क्या कहते हैं, आ रही बात समझ में। अब जब हाइड्रा में बडिंग होगी, जब हाइड्रा में बडिंग होगी तो एक कुछ पोर्शन में सेल डिविजन होना स्टार्ट होगा। क्या होगा, ठीक है। जब यहां पे सेल डिवीजन होना स्टार्ट होगा, ठीक है, तो शुरू में कैसा दिखेगा, हमें यहां पर एक बल्ज दिखेगा। क्या दिखेगा, एक बल्ज। बल्ज मतलब क्या, यहां पर सेल वेल डिवाइड हो रहे होंगे जिस वजह से ये क्या हो गया, ऐसा मोटा हो गया है। यहां पर हम लोग को नेक्स्ट स्टेज में क्या दिखेगा, इसके एक बल्ज। ये बल्ज इवेंचुअली ग्रो होके एक आउटग्रोथ जैसे बना लेगी, ऐसी। ये क्या बनी अब, एक आउटग्रोथ, ठीक है ना। और ये जो आउटग्रोथ है, ये इवेंचुअली क्या बना लेगी, एक बड, ये क्या बना लेगी, एक बट। और ये जो बट है, जब ये इतनी बड़ी हो जाएगी कि ये खुद ही अपनी लाइफ क्या कर सकती है, सस्टेन कर सकती है, तो ये पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी और एज एन इंडिविजुअल रहना स्टार्ट कर देगी। ये हाइड्रा,
और ये इसकी बड़। ठीक है, तो जब तुम लोग को बडिंग इन हाइड्रा आएगा तो हम लोग बोलेंगे अ पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स सेल डिवीजन। अ पोर्शन पोर्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स सेल डिवीजन। दिस सेल डिवीजन सून टर्न्स इनटू अ बल्ज वेयर सेल्स फर्दर डिवाइड टू फॉर्म एन आउटग्रोथ। आउटग्रोथ फर्दर ग्रोस एंड फॉर्म्स अ बड। व्हेन द बड इज मैच्योर इनफ it detaches itself from the parent plant. It detaches itself from the parent organism and grows as a separate individual. And grows as a separate individual. क्या ये कहानी समझ में आई?